हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं देवा इंडिया फाउंडेशन की निर्देशक साध्वी देवा ठाकुर शुक्रवार को बाड़मेर के चौटन में पहुंची, जहां साध्वी देवा ठाकुर ने श्री डूंगरपुरी मठ एवं वाकल विरात्रा माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा चौहटन मठ के महंत जगदीश पुरी के पश्चिम राजस्थान के मठों और मंदिरों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। महंत जगदीश पुरी ने डूंगरपुरी मठ, सुहिया महादेव, कपालेश्वर महादेव मंदिर के ऐतिहासिक जानकारी के अलावा यहां लगने वाले अर्धकुंभ सुहिया पोषण मेला और पंचकोसी परिक्रमा श्री डूंगरपुरी महाराज के जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत करवाया। वांकल विरात्रा माता मंदिर में उनका ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया तथा जानकारी से अवगत करवाया गया। साध्वी देवा ठाकुर ने पश्चिम क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और सामाजिक सद्भाव के मुद्दों पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान साध्वी देवा ठाकुर ने कहा कि चौहटन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जगदीशपुरी महाराज अपने आप में एक असीम प्रतिभा है, इनके पास ज्ञान का अथाह सागर है। साध्वी ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार एक श्रेष्ठ सरकार है, इस सरकार में जनहितैषी कार्य हो रहे हैं। इसके पश्चात साध्वी देवा ठाकुर ने विरात्रा माता मंदिर के दर्शन किए, जहाँ विरात्रा ट्रस्ट के सचिव भेर सिंह सोढ़ा ने विरात्रा मंदिर के ऐतिहासिक और विख्यात मेले को लेकर जानकारी दी। इस दौरान भाजपा युवा नेता देवीलाल चौधरी, प्रकाश सेन, ईसाराम दैया, भजनलाल विश्नोई, जसु भाटी, मदन राज पुरोहित, तीर्थ राखेचा, रिडमल सिंह, वीरेंद्र सोनी, सतीश दैया, मोहन दर्जी, अमित गोयल सहित अन्य युवाजन उपस्थित रहे। सेना का काम करें, सरकार जहां तक होती है आज काम तो कर रही है ना। एक समय था जब भगवा को आतंकवाद कहा जाता था, एक समय था जब इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, आज समय है कम से कम इस बात पे गौर तो फरमाई जाती है। ये बड़ी से मिलने आ रहे हैं। देखिए स्वामी जी महाराज, जगदीशपुरी जी महाराज अपने आप में एक ऐसी प्रतिभा है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान और नूर इनके पास है, इस मठ में है, कि अपने आप खींचा चला आता है जैसे चुंबक। इसमें कोई बुलाने की या कोई राजनीतिक लाभ उठाने का उद्देश्य नहीं हम सब का, पर स्वामी जी के आशीर्वाद के बिना भी अधूरा है अगर लाभ भी उठाना है तो आना होता है। और स्वामी जी में मेरी अथाह श्रद्धा है, अंदर से है, और इस मठ की मान्यता मेरे को लगता है पूरे भारत में है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। और ये भी सत्यता है, बिना अखाड़ों के, बिना मठों के, बिना मठाधीशों के राजनीति भी कहीं ना कहीं अधूरी है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, स्वामी जी का जहाँ आशीर्वाद होगा वो सब चीजें फलित होगी, उसको आप समझ सकते हैं। चौहटन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।